पटना के बाद दरभंगा में एयरपोर्ट आने के बाद लगातार विकास और प्रगति के काम तेज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में क्रिकेटरी कंस्ट्रक्शंस ने दिल्ली मोड़ के पास नॉर्थ बिहार का पहला टाउनशिप वीना वाटिका अपार्टमेंट का भूमि पूजन शुरू कर दिया है। रेरा सम्मान्यता प्राप्त वीना वाटिका एक विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाने जा रही है, जिसमें 500 से अधिक फ्लैट बनेंगे। इस सोसाइटी में आधे से अधिक जगहों पर लोगों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें खुली हवा के बीच शांत एवं मनोरम वातावरण का एहसास यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगा। वहीं भूमि पूजन के बाद चेयरमैन कृष्णकांत ठाकुर ने कहा है कि सोसाइटी में बच्चों के लिए इंडोर एवं आउटडोर खेल की व्यवस्था रहेगी। बुजुर्गों के मनोरंजन एवं स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष लॉन, योगा सेंटर एवं अन्य सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यह सोसाइटी रहने वालों के लिए महफूज जगह होगी। यहाँ रहने वालों को पार्टी और मीटिंग हॉल के साथ ही टेरेस गार्डन एवं स्विमिंग पूल, स्काई वॉक, मेडिटेशन हॉल, ATM दुकानों के साथ विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं केकेट्री कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर सुमन ठाकुर ने बताया है कि दरभंगा में भी बड़े शहरों की तर्ज पर अपार्टमेंट बन रहे हैं, पर वीना वाटिका ऐसी पहली सोसाइटी होगी जहां पर लोगों को हर सुविधा मेट्रो शहरों की तर्ज पर दी जाएगी। मिथिला में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिकीकरण का समावेश पहली बार लोगों को देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यह सोसाइटी अभी से लोगों की पसंद बन गई है एवं हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों को एक विश्व स्तरीय एवं विश्वसनीय आशियाना उपलब्ध कराने की है जो उनके बजट में फिट होता हो। इस अवसर पर वद्री पूर्वे ने कहा है कि बढ़ते मिथिला में एम्स, तारामंडल आदि के बाद वीना वाटिका भी का पत्थर साबित होगा। दरभंगा के लोगों के लिए सभी प्रमुख जगहों से नजदीक यह सोसाइटी मिथिला के लिए गर्व की बात होगी। इस स्थल में विद्यालय, न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दरभंगा एयरपोर्ट एवं हाईवे के नजदीक होने से ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, एमिनिटीज वगैरह की डिस्कशन हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में कुल 528 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा, जो 2 BHK और 3 BHK के सेगमेंट। 3 BHK में भी हम लोगों ने 5 से ज़्यादा तरह के फ्लैट्स का डायमेंशन रखा है। 2 BHK में 2 ऑप्शन हैं हम लोगों के पास। एमिनिटीज़ में जैसा अभी हमारे अभिषेक सर ने बताया भी है कि लगभग लोकली पॉपुलर जितना आउटडोर गेम्स है और इंडोर गेम्स, उसमें फुटबॉल और वॉलीबॉल को छोड़ के मैक्सिमम को हम लोगों ने कवर अप किया है। आज और विशेष संयोग यह है कि इसका एक ऑफर प्राइस रखा गया और इस प्रांगण में, जो प्रांगण पूरे पूरे बिहार का सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाला सर्वश्रेष्ठ प्रांगण होगा, ये हमारी कंपनी का वादा है आप लोगों से, उसमें आज के डेट में ऑफर प्राइस डाला गया है सिर्फ एक दिन के लिए। 38 लाख रुपए से ही यहाँ पे फ्लैट की बुकिंग शुरू की। मैक्सिमम बैंक का फाइनेंस का फैसिलिटी होगा हमारे कस्टमर्स के। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बद्री बाबू के द्वारा दिए गए ज़मीन के ऊपर हम लोग पूरे ताकत के साथ अपने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। 100% हम जैसा दिखा रहे हैं उससे बेहतर बना के लोगों के सामने रखेंगे। लोगों से आग्रह है हमें हमको सहयोग करें या बुकिंग करावें और सर्वोत्तम बना के हम अपना 100% देंगे, ये वादा करते हैं। 100 समय देंगे, बेहतर देंगे, जो मिथिलांचल का ही नहीं उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर प्रोजेक्ट होगा। फैसिलिटी बहुत सारा है, जैसे एमिनिटीज में यहाँ प्ले स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, जिमनेजियम होगा, रूफ टॉप वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, पूरा का पूरा की। यहाँ पे जो समस्या सुरक्षा की है अपने शहर में या कहीं भी, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे प्रथम ध्यान दिया गया सुरक्षा पर। इसके अलावा लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में एमिनिटीज़ एरिया है, 70,000 क्या हमारा ग्राउंड पे एमिनिटीज़ एरिया है, जिसमें 6 कट्ठे में हम एक स्पोर्ट्स क्लब दे रहे हैं जिसमें जिमनेजियम होगा और डिफरेंट तरह का स्पोर्ट्स का जगह होगा। आउटडोर स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट दे रहे हैं, स्क्वॉश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सभी तरह की सुविधा हमने कोशिश की है वहाँ लाए। अब हॉल के बारे में अगर महिला के से रिलेटेड बात करें तो योगा रूम है, मेडिटेशन हॉल होगा, 3 कट्ठे में मीटिंग हॉल होगा जहाँ पे आप प्रोफेशनल मीटिंग्स ले सकते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी की व्यवस्था होगी, 17 सेट सोफा सेट वहाँ लगेगा, वर्क स्टेशंस होंगे ताकि आप ऐसे मीटिंग्स जो आप घर पे सभी लोगों को नहीं बुला सकते हैं बट वो आपके करीबी भी हैं,
उनको भी उनकी इज्जत के साथ सम्मान के साथ मीटिंग करके विदा कर सके। ये हमारी एक सोच थी और एक सपना था कि आने वाले समय में मैं इस प्रांगण में एक अच्छा सा अपार्टमेंट टाउनशिप को स्थापित करूं और दरभंगा के इर्द गिर्द शहर के गणमान्य लोग आम पब्लिक को यहाँ अपार्टमेंट में जगह देने का मौका मिला है और आज उसका भूमि पूजन हुआ है और जो इसमें हमारे सहयोगी हैं कृष्णकांत ठाकुर जी जो इसका निर्माण कर रहे हैं उनको मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य को काफ़ी तेजी में करते हुए आज भूमि पूजन का काम करके लोगों को एक सूचना अपने माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया है ताकि लोग यहाँ आकर के अपना घर बुक करावे पहले आवे पहले पाए।